अरे सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, यहाँ के इंचार्ज से मिलना है। मिलो? हाँ मतलब चंद्रमुखी चौटाला जी से मिलना है भाई। यार तुम चंद्रमुखी चौटाला से मिलके क्या करोगे? उसके पास कोई पावर नहीं है, एकदम पावरलेस वुमन है वो, पावरलेस। अरे मेरे उंगलियों पे नाचती है वो, मैं जब चाहूँ उसे अपनी उंगलियों पे यूं 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 नचाता हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? मुआफी मैडम, मुआफी मैडम पे तो खाली। भाई ऐसा है कि मुआफी की तो बात ना है, सजा मिलेगी गलती करने की। और भाई सिंस ना सिंस यू वर सेइंग कि मैं थारे इशारों पर नाच रहे हूँ। नहीं नहीं वो तो भाई तो थारी पनिशमेंट यानी सजा ऐसे ही हो रही है कि जब भी मैं टाइम देखूं कहीं भी कभी भी तू मन्ने नाश्ता वही मिल बेटा। और बेटा यो बात याद रख कि यहाँ थारे पैर रुके और वहाँ थारी सांसें। ओके मैडम छोड़िए ना। हाँ भाई तू बोल, नाम क्या है? मैं दल्लू दत्तखोर खम्मा उखाड़ के। अच्छा ना लतखोर भी होता तो भी क्या कर लेता तू? मैडम मैं तो यहाँ पे सिर्फ FIR लिखवाने आया था। क्यों भाई? और यो गाल पे हाथ रख के क्यों घूम रहा तू? ना छोरी ने छेड़ के पिट के आ रहा है। मैडम हुआ ये कि मैं बहुत बड़ा दत्तखोर हूँ। मतलब मेरे दांत जो है ना बहुत मजबूत हैं, मैं अपने दांतों में रस्सी फंसा लूं और उसके बाद कार में बांध दूं तो कार से लेकर ट्रक और ट्रक से लेकर ट्रेन तक खींच सकता हूं, इतने मजबूत दांत है मेरे, मतलब थे। भाई ऐसा है बालकों, भाई आई कैन रिमेम्बर कि भाई ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग डेज, भाई हमारे ट्रेनिंग के दिनों में एक अफसर हुआ करता था, क्या नाम है उसका, यो गन्ना चुस्कर। भाई गन्ना चुस्कर जी के जो दांत है ना जी इतने मजबूत हो रहे थे कि गन्ना तो ऐसे चुस जावे जैसे कि केला खा रहा हो, और भाई वॉलनट यानी अखरोट ऐसे खा जावे जैसे कि जो है मूंगफली का छिलका चबा रहा हो। भाई वो तो उसकी जो है उम्र 60 साल की हो रही थी, मरना तो जो है मैं उसी से शादी करके सेट हो लेती बालकों। भाई स्ट्रॉन्ग टीथ आर माई वीकनेस, मतलब मजबूत टीथ गुड मैन। अरे क्या बात है मैडम, क्या बात है। हाँ भाई ओ कंटिन्यू। मैडम एक दिन मेरे दाढ़ में दर्द हुआ तो मैंने अखबार में पढ़ा, एक दंतमंजन की ऐड निकली हुई तो उसमें लिखा था, उसका नाम था महाप्रचंड पेलुभास्कर दंतमंजन। उसमें लिखा था कि जहाँ पर दर्द हो वहाँ अगर लगा लेंगे तो दर्द गायब हो जाएगा खम्भों उखाड़ के। अब ये हाल है मैडम कि दांतों से रोटी भी नहीं खींचती है तो सामान क्या खींचेंगे। एक मेहरबानी कीजिए आप उस मंजिल वाले से ना 10 लाख रुपए का हर्जाना दिलवाइए। हाँ मेहरबानी करिए, काम कर ले थोड़ा, सॉरी काम कर ले। ऐसा है इस गोपी से जो है ना बैठ के उस दंतमंजन वाले के मालिक का जो है एड्रेस लिखवा ले, हम करते हैं कार्रवाई। ओके Give me your samosas. What if I don't? Then get ready to die. ये कहाँ से लेकर आ गया तू बेटा? समोसे के लिए क्या कर रहा है? ये ले खाओ खाओ, कोई नहीं ये लो, अपने बच्चे को दे देना, दिवाली पे काम आए। दिवाली? ये तेरी तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे मैडम वो खन्ना का बच्चा मेरे समोसे ले गया और वो भी ये दिवाली की डरा के चला गया मैडम। डांस। हाँ सॉरी भूल गया था। एक्सक्यूज मी, वो मंजन दंतमंजन। ओहो तो तू हो रहा वो जो है दंत उखाड़ू मंजन का जो है मालिक। मैडम आप गलती से मिस्टेक कर रही है, मैं आपको सही से करेक्ट कर देता हूँ। हमारे मंजन का नाम महाप्रचंड दांत उखाड़ू मंजन नहीं बल्कि महाप्रचंड पेलुभास्कर मंजन है, मंजन लगा करके। और मेरा नाम है जुगनू झा और हमारा मंजन जो है वो लोगों के दांत जुगनू की तरह चमकाता है मंजन लगा के। मम्मी जी, जिस मंजन के डब्बे को आपने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें मंजन की जगह कोई केमिकल मिला हुआ है जिससे दांत तो क्या आंत तक गल सकती है। सी नहीं, बस करो तुम अपने दांत, अब जाओगे तो हम हालात। ओके बाय। भाई इसके अकॉर्डिंग तो जो है ना, I'm the king. I'm the king. भैया साहब, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट तो थारे पास जो है ना दो ही ऑप्शन दिखे हैं मन ने। या तो तू 10 लाख का जो है कंपनसेशन यानी हर्जाना दे दे, या तो द डोर टू द जेल वेलकम्स यू। वो बात दरअसल ये है कि हमारे जो दंतमंजन की फैक्ट्री मतलब कि कारखाना जो है ना, उसके साथ साथ में मतलब कि साइड में एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री मतलब कारखाना है। अब शायद 2-3 लाख डब्बों में से मंजन के एक डब्बे में या 2 डब्बे में वो केमिकल चला गया होगा गलती यानी कि मिस्टेक से। भाई हो तो जो है ना घोर मिस्टेक होगी है और मिस्टेक का तो भरना पड़े हर्जाना। यानी कि तो तैने जो है 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे उसके हर्जाने के, या तो भाई जेल जाएगा तू। मैडम कोई जुगाड़ मतलब कि रास्ता हो सकता है? हाँ, रास्ता मतलब अब एक ही रास्ता है कि तुम हमें 5 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हें हर जाने के 10 लाख रुपए नहीं भरने पड़ेंगे और तुम्हारा भी 5 लाख का फायदा हो जाएगा। मान जाओ यार, इतनी बढ़िया डील नहीं मिलनी। ठीक है, 5 लाख का चेक मैं आपके पास भिजवा दूंगा, लेकिन ये केस सॉल्व मतलब कि रफा दफा तो हो जाएगा ना मंजिल लगा के। वेट एंड वॉच। क्या? अरे हाँ, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि क्या सबूत है कि मेरे दांत कभी मजबूत थे भी कि नहीं? ना ना, हम तो ये सोच रहे हैं शायद तुम्हारे दांत कभी हो ही ना। ये नहीं थे क्या? कान में रस्सी बांधकर हम कार और वो ट्रेन खींचते थे। बात करते हो ही ना खंबा उखाड़ के। अरे सुन भाई, I'm the king. वाह, वाह, आह, चल हट। ओ भाई तू ऐसा है, हम थारे रिश्तेदार तो कतई है ना। हाँ, हम हो रहे हैं कानून, और कानून जो है मांगती है सबूत। सबूत? तो भाई तू सबूत ला दे कि कभी थारे दांत मजबूत थे, और जो सबूत ना है तो तू निकल यहाँ से, हमें और भी काम हो रहे हैं। नहीं मैडम, सबूत है भाई। और सबूत कौन है मालूम है? सबूत है मेरा दोस्त बिल्लू बोंगड़, डॉक्टर है दांतों का। मालूम है उसने अपने क्लिनिक के बाहर पोस्टर लगाया मेरा, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसे फौलादी दांत, मजबूत दांत चाहिए तो आइए डॉक्टर बिल्लू बोंगड़ के क्लिनिक में, ये लिखा है। उसको लेके आऊंगा कल, वही दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, मतलब एकदम गवाही दे देगा मेरे लिए। चलो यार। अरे एनकाउंटर कर दो साले का। मैडम ये वो I'm the king. West side. Now blow your hands in the air. हाँ भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस पार्ट 3 कौन हो रहा तू है? मैडम माई सेल्फ डॉक्टर बिल्लू बोंगड़ हड़बड़ी में। अच्छा ये हो रहा है, उस दल्लू का दोस्त हो रहा है ये? Yes! अबे तू किस लिहाज से दोस्त हो रहा है उसका? दादाजी की उम्र के आदमी। एक्चुअली मैडम क्या है कि मैं अंदर से 32 का हूँ ए लपेट, और उम्र से पहले ही मेरे बाल सफेद हो गए हैं। इतना पहले? हड़बड़ी में। बताइए क्या काम है? हाँ भाई काम यो है कि यो ना हमारी चौकी के प्राचीन खंडर इनके कुछ अस्थि पंजर ढीले हो रखे हैं, जरा चेक कर ले दांत। ओके। नहीं नहीं मम्मी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दांत में दर्द हो रहा है, कोई गोली है? हाँ वो तो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक मिनट जरा मुँह खोलिए अपना प्लीज, मुँह खोलिए। Confusion. अरे क्या हुआ भाई, सो गई क्या? मैं देखता हूँ। हाँ हाँ गोपी oh my God मैडम गोपी is dead। नहीं अब तो दफा लगेगी अच्छी खासी, इसको मिलकर रहेगी फांसी। ओके बाय। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए भाई। आदमी तो तेने यहाँ निपटा दिया है, तो ये अगर तू फांसी से बचना चाह रहा है तो वैसा ही कर जैसा हम कहें। ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। गुड, थैंक यू ब्रदर। वेलकम। या ओ माय गॉड बिल्लू क्या बोल क्या रहा है तू? तुमने अपने क्लिनिक के बाहर मेरी तस्वीर नहीं लगा रखी और उसमें लिख रखा है कि ऐसे मजबूत और फौलादी दांत चाहिए हो तो मेरी क्लिनिक में आइए। लिखा है कि नहीं लिखा है खंभा उखाड़ के? हाँ ये सच है कि मैंने इसकी तस्वीर जो है वो अपनी क्लिनिक के बाहर लगा रखी है, लेकिन उस पर ये भी लिखा है कि अगर ऐसे सड़े हुए और बिना दाढ़ वाले दांत नहीं चाहिए तो मेरी क्लिनिक में आइए। हड़बड़ी में। यस! क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बिल्लू? हाय एक मिनट मैडम, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लो इसमें एक बाइट लो, बाइट लो, वापस दो। अभी एक मिनट रुको। ओह माय गॉड, इन दांतों के फिंगरप्रिंट्स से मैच हो गए हैं मैडम, मैच हो गए हैं। यानी कि यही वो आदमी है जिसकी पुलिस को बरसों से तलाश थी। ये बैंकों के ताले अपने दांत से तोड़ता था और पूरे के पूरे बैंक को लूट लेता था। ही इज अ लुटेरा। मैं लुटेरा नहीं हूँ भाई, लुटेरा नहीं हूँ खंभा उगाड़ के। भैया साहब बाल को डोंट वेस्ट टाइम, इसके गले में जो है ना डालो टायर और साले ने अंदर धर लो। चलो। अरे क्या अन्याय हो रहा है ये, मुझे क्यों यहाँ बंद करके रखा हुआ है? बेकसूर को बंद करते हैं कोई? खोलिए मुझे, खोलिए, निकालिए। क्या है, क्यों शोर मचाया है? अब मुझको बाहर निकालिए। बाहर आके क्या करेगा? अब कुछ भी करे, बाहर निकालिए आप। आजा आजा, अब बाहर ही आजा आजा। हाँ मेरे यार क्यों बेटा, बड़ा आया था मुझसे कंपनसेशन यानी कि हर जाना मांगने वाला, मंजन लगा के मेरे खिलाफ FIR लगवाएगा मंजन लगा के। अब आ गई बात, सारी समझ में आ गई। पुलिस जो है ना तेरे हाथों कैसे बिकी हुई है सब समझ में आ गई मुझे। लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझे? अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अरे 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 छोड़ नहीं। कंफ्यूजन। दुनिया से मुकना होता। ओहो हो, चौकी में खून कर दिया तेने। जांबाज हो रहा है तू, जानसीन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने कोई मर्डर यानी कि खून नहीं किया है मंजे लगा के। हाय, ये तो गोली अपने आप ही चली है मंजे लगा के। मैडम, इस आदमी ने अच्छा नहीं किया मैडम, अब तो इसको फांसी होगी। अबे इससे तो फांसी होगी सो होगी ना, हमारी कितनी बदनामी होगी। केस बनेगा हम पे कि जो है चौकी में एक आदमी ने दूसरे को मार दिया, पुलिस सो रही थी के फंसा। अबे तू एरिया दे यार कोई। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिकल टिकोली मार दो गोली आइडिया। मैडम, इसमें बचने के तो सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम इसी आदमी का एनकाउंटर कर दें या फिर इस लाश को किसी तरह रफा दफा कर दें। मैडम, आई थिंक एनकाउंटर इज इजी। चलिए कर लीजिए। नहीं नहीं मैडम, वो ये लाश यानी कि डेड बॉडी को रफा दफा करिए ना यहाँ पे। उसके लिए तो भाई पैसे लगेंगे। कितने? 25 लाख। दिया ये लीजिए, ये मैंने साइन कर दिया और ये 25 लाख। नाम हम भर लेते हैं भाई, ले गुलगुले। दल्लू दत्तखोर। अरे लेकिन मैडम, ये तो मर चुका है मंजे लगा के। अरे इतना भी ना मरा कि 25 लाख लेने उठ ना सके। कंफ्यूजन। हाँ भाई दल्लू बेटा, उठे भाई, उठो। बेटा, अरेस्ट तो मैं तेने तभी कर लेती जब तेने अपने मुंह से कबूल करा था कि थारे ही उस मंजन में जो है केमिकल मिला हुआ है। पर बेटा तेने जो है इसके पेट पर लात मारी है, थारी नेग्लिजेंस की वजह से इसको इतनी तकलीफ हुई, इसलिए हम इसको जो है तगड़ा कंपनसेशन दिलाना चाह रहे थे। लाइक 25 लाख जो इसने मिल गए हैं फसा। और भाई इसलिए हमने ये सब ड्रामा किया, और फिलहाल जो स्किट लिटिल ड्रामा आपने करा है ना, वो हमने जब इसे अरेस्ट करा था तभी इसकी रिहर्सल जेल में हमने करवा दी थी। ओके एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर। तो बाल को व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो सारे ने। चल। मैडम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो अन्याय का खंभा उखाड़ के फेंक दिया। भाई दल्लू जी ऐसा है, ये बाप एक काम करो भाई, लोहे के दांत लगवा लो इन पैसों से और बढ़िया से अपना काम करो। ओके चलिए। I'm the king. चल हट। सर I'm little busy with criminal. इधर इधर इधर, मैं देख रहा था, क्या स्टाइल में आपने इस केस को सॉल्व किया हुआ। हाँ सर, मैंने जो करा सो करा, पर आप क्या कर रहे हैं आजकल? कभी गन्ना पाट रहे हैं, कभी जो है अखरोट तोड़ रहे हैं। यो सर चेंज ऑफ जॉब का इरादा है, सर्कस ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, 1 मिनट विथ योर परमिशन। वो क्या है, मैंने सुना है कि आपको मजबूत दांत वाले लोग बहुत पसंद है, हा? तो क्या है आपका मेरे बारे में ख्याल? सर मैं आपको जरूर बताती, बट फिलहाल टाइम इज रनिंग आउट, मैं आपने बताऊंगी अगले साल। लिसन, हेलो, नहीं सुनो,